हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पार्ट वन एंड पार्ट टू का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, क्या कुछ प्रोसीजर है, प्लस एडमिट कार्ड पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। चाहे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो नॉर्मल यानी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए या फिर प्रमोटेड है बैक हो, जैसे इन दिस केस मेरे एग्जांपल में प्रमोटेड और बैक एक स्टूडेंट से जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके मैं भी आपके सामने प्रेजेंट भी किया हूँ। हालांकि किस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है पूरा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। पहले मैं आपको पूरा स्टार्टिंग टू लास्ट आपको प्रोसेस बताता हूँ, इसके बाद जो कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है मैं यहाँ के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी बताता हूँ। प्लस ये भी बताता हूँ कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ उसके बेसिस पे क्या कुछ बातें सामने निकल करके बाहर आती है, मतलब एग्जाम आपका टाइट हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है या मॉडरेट कंडीशन में हो रहा है, या फिर जो आप कह सकते हैं जो शरीर का जो पूरा माहौल होता है एग्जामिनेशन में क्या कुछ वो पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कुछ आपका लेटेस्ट करेंट अपडेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट वन एंड पार्ट टू के एडमिट कार्ड एंड एग्जामिनेशन को लेकर के, चलिए तमाम सारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में से। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल पे हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, डाउनलोड एडमिट कार्ड रेगुलर एंड वोकेशनल ईयर फर्स्ट एंड सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मतलब आपका पार्ट वन का एडमिट कार्ड हो या पार्ट टू का एडमिट कार्ड हो, चाहे रेगुलर कोर्स के लिए हो या फिर वोकेशनल कोर्स के लिए हो, कहने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम के लिए हो या फिर आपका बीबीए बीसीए जैसे जो सारे वोकेशनल कोर्सेस है उसके लिए हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडमिट कार्ड सर्च करने के टाइम में यहाँ पे फॉर्म नंबर देना। फॉर्म नंबर में आपको ध्यान रखना, जब भी आपको फॉर्म नंबर देना है तो आपका फॉर्म नंबर जनरली जो भी सारे फॉर्म 2022 में भरा है वो स्टार्ट होता है 2022-0 से, तो आपको क्या करना है 22-0 को छोड़ करके बाकी जो भी रहे उसको भर देना। चलिए आपको सामने में देखे भर के दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे पास एडमिट कार्ड डाउनलोड है, मैं आपको फिर से डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ इनका, देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म नंबर है वो है 22-0-50-82-86, यानी 22-0 को छोड़ करके हमें भरना है, यानी क्या भरना है 50-82-06। चलिए भरते हैं इसमें 50-82-06। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को भरना। चलिए जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ को भर के क्या करना है आगे की ओर बढ़ाना है, आगे की ओर क्या करना है मेंशन करना है। चलिए आते हैं एडमिट कार्ड भरते हैं इसमें हम लोग डेट ऑफ बर्थ को। सो गाइस, देख सकते हैं मैं इनका डेट ऑफ बर्थ भी फिलअप कर चुका हूँ, यहाँ पे एग्जाम फॉर्म नंबर भर चुका हूँ जिसमें 220 यानी 2000 यानी कह सकते हैं 22-0 जो आगे का था उसको मैं छोड़ दिया हूँ। इसके बाद जो भी बाकी बचा मैं इसमें भर चुका हूँ, यहाँ पे कैप्चा में भर चुका हूँ। चलिए सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है कि नहीं। जब भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है यानी जैसे इनवैलिड रिकॉर्ड फॉर्म वगैरह, तो आप अपना डिटेल्स के ऊपर फिर से मिला लीजिएगा। जैसे चलिए मैं इनका कुछ शायद डिटेल्स में मिस्टेक किया हूँ, चलिए फिर से डिटेल मिला करके इसको क्या करते हैं भरते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। एंड सो मैं एक बार फिर से डिटेल को भर चुका हूँ, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ देख सकते हैं हमारे पास एडमिट कार्ड इनका अपीयर हो चुका है, तो ये इनका एडमिट कार्ड है। इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसीजर बेहद ही आसान है, चाहे आप प्रमोटेड स्टूडेंट्स हो, बैक स्टूडेंट्स हो, रेगुलर हो, उससे 1% भी मतलब नहीं, मतलब है तो फॉर्म नंबर सही सही भरिए, यानी आगे का 220 छोड़ करके भरिए प्लस अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको समझना चाहिए, जिसमें आपका सबसे पहले रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे आप देख सकते हैं इनका एग्जामिनेशन सेंटर गया है जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल पटना, इस तरीके से। प्लस आपको कौन कौन सा पेपर देना है, चाहे आप रेगुलर के हैं या फिर बैक के हैं, जो भी सारे आपके पेपर्स होंगे पेपर्स दिख जाएंगे। जैसे इनका बैक लगा था कुछ पेपर्स में तो केमिस्ट्री इनको देना है, डेट आपको दिखा दिया जाएगा कि कब आपका एग्जाम डेट है, सब्जेक्ट आपको दिखा दिया जाएगा, पेपर का कोड दिखा दिया जाएगा, पेपर का नेम आपको बता दिया जाएगा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पर आ जाएगा। प्लस में कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा जो कि आप ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न दिए गए 5 अंकों के प्रश्न पत्र कोड को ओएमआर पुस्तक में भरे। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मस्ट है जिसको बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो आप अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लाइक आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी रहे आप एक अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड जरूर रख लीजिएगा, जिसके जरिए से क्या होगा आपका एग्जामिनेशन में एंट्री होगा, तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, जिसके जरिए से क्या होता है आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। फिर भी जो कुछ आपको प्रॉब्लम फर्दर हो फर्दर बताइएगा। अगर बात की जाए साइड वाले प्रोसेस के लिए, मतलब एग्जाम का कंडीशन क्या कुछ चल रहा है, एग्जाम का कंडीशन इस बार मॉडरेट कंडीशन में है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ में लिया जा रहा है, मतलब जो सारा का सेंटर का सिचुएशन है वो सेंटर का सिचुएशन मॉडरेट कंडीशन में है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्या होगा ये आपके लिए थोड़ी सी राहत की बात है, जिसके जरिए से क्या होता है आपका एग्जामिनेशन थोड़ा सा सही तरीके से कंप्लीट होता है। सो गाइस, ऐसा करते हैं ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसीजर प्लस आप एग्जामिनेशन सेंटर का क्या कुछ आपका कंडीशन है, ये सारी बात को आप सही तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को इन करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।